नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज़ सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, थोड़े ही दिनों बाद 20-25 दिन बाद सुबह सुबह नहाने वालों को गीजर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उन्हें या तो गुनगुना पानी जरूरी होगा या फिर गर्म पानी जरूरी होगा। और मेरी बहनें भी घरों में जब बर्तन साफ़ करती हैं या कपड़े धोती हैं तो उन्हें भी गर्म पानी की ज़रूरत होती है। दो कारण, गर्म पानी से मैल जल्दी निकलता है, बर्तन साफ धुलते हैं, दूसरी बात उनके हाथों को थोड़ी ठंडक भी कम लगेगी। तो ये आपको ज़रूरी है घर में इस तरह की चीज़ें होना। इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि हमें गीजर लेना कौन सा है, हमारी ज़रूरत कौन सी है, हमारी ज़रूरत किस टाइप के गीजर को लेने की है, ये हमें समझना होता है। मार्केट में बिजली चलने वाले गीजर भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं, इनका रेट कम होता है, लेकिन जब उनका यूज़ करते हैं तो कंजप्शन के कारण, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के कारण इनका रेट बढ़ जाता है, यानी कि इनका खर्चा ज़्यादा होता है यूज़ करने का। गैस गीजर हैं, कहा जाता है ये सस्ते होते हैं, यानी कि इनका रेट भी कम होता है और इनको यूज़ करते हैं तो कंजप्शन गैस का होता है, तो उस हिसाब से ये सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सोलर गीजर्स भी मार्केट में हैं। तो आपको मान लीजिए बड़े एरिया में पानी गर्म करना है, मान लीजिए आपका स्विमिंग पूल है या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह है जहाँ आपको गर्म पानी की ज़रूरत बड़े तादाद में पड़ती है, तो इस तरह में वहाँ सोलर हीटर काम के रहते हैं। उनका रेट तो बहुत ही ज़्यादा है, 25-30 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार से लेकर 25-30 हज़ार रुपये तक जाते हैं। लिंक में सभी के प्रोवाइड करा दूंगा, आपको किसी भी तरह का गीजर लेना है तो आप देख सकते हैं और ले भी सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं, दो तरीके के विशेष गीजर होते हैं। पहला होता है आपका इंस्टेंट गीजर, दूसरा होता है आपके स्टोरेज गीजर। अब हमें कई बार जब नॉलेज नहीं होती, जानकारी पूरी नहीं होती, तो हम इंस्टेंट की जगह स्टोरेज वाला उठा लेते हैं और स्टोरेज वाले की जगह इंस्टेंट वाला उठा लेते हैं। लेकिन जब यूज़ करने बैठते हैं तो समझ में आता है, अरे यार ये तो गलत चीज़ आ गई, पैसा बेकार लग गया, पैसा वेस्ट लग गया। तो दोनों में अंतर समझ लो आप, दोनों की कार्य प्रणाली समझ लो आप, दोनों की ज़रूरतें समझ लो आप। फैमिली साइज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, ज़रूरत के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसी ज़रूरत जैसा फैमिली साइज वैसा आपका इस बार गीजर का परचेज होना चाहिए। लास्ट टाइम आपको मालूम है सर्दी काफ़ी तेज़ पड़ी थी, तो मार्केट से वाटर हीटर और वाटर गीजर दोनों ही खत्म हो गए थे। इसके अलावा आपके हीट कन्वर्टर भी काफ़ी मार्केट में नहीं मिल रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम थी। कोई खास बात नहीं, सबसे पहले समझ लेते हैं इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर में फ़र्क क्या है, इनकी ज़रूरत क्या होती है और कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो इंस्टेंट गीजर की बात करें तो देखिए, इंस्टेंट गीजर क्या होता है, फ्लो ऑफ हॉट वाटर, इसमें पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा होता है कि ये 1 से लेकर के 3 लीटर में अवेलेबल होता है, यानी कि छोटे साइज़ में और छोटी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ होता है, यानी कि पानी धोने के लिए में जितना बर्तन धोने के लिए में जितना पानी चाहिए होता है उतना हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हाथ वाथ धोने के लिए जितना चाहिए होता है उतना यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है इसका साइज़, तो इसका साइज़ कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि काफ़ी छोटा होता है और ईजी होता है। चौथी बात होती है कि इसको यूज कैसे करें, तो एक्चुअल में तो ये आपके यूज़ किसके लिए आता है, हाथ वाथ धोने के लिए और आपके बर्तनों को धोने के लिए, यानी कि किचन के लिए अगर आप गीजर ले रहे हैं तो आपको इंस्टेंट गीजर लेना सही रहेगा। दूसरी बात आती है स्टोरेज गीजर क्या होते हैं, स्टोरेज गीजर कांस्टेंट फ्लो ऑफ हॉट वाटर, यानी कि इसमें जो गर्म पानी का फ्लो होता है वो काफ़ी कांस्टेंट होता है, बहुत ईजी शांति से आता है। दूसरा है अवेलेबल इन 6 to 35 liters और ये आपको 6 से 35 liter में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि नहाने के लिए चूंकि हमें पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए हमें पानी चाहिए तो मात्रा ज़्यादा होती है, हाथ धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। तो नहाने के लिए और बर्तन धोने कपड़े धोने के लिए हमें चाहिए स्टोरेज गीजर। फिर इसमें इसके अलावा हमें चाहिए लार्ज टैंक, है ना, जहाँ हम स्टोरेज कर सके पानी का, तो लार्ज टैंक स्टोरेज वाटर, तो वाटर यानी कि गर्म पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बड़े टैंक की जरूरत भी होती है। और ये सबसे बड़ी बात, जरूरत किस चीज़ के लिए होते हैं, किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी हमें नहाना है और लॉन्ड्री यानी कपड़े धोने हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी होते हैं स्टोरेज गीजर। तो इतने से भी आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा गीजर लेना है। लेकिन अब बात आती है फैमिली साइज़ की। मान लीजिए आप इंस्टेंट गीजर लेने चाहते हैं मार्केट में, तो आपको अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से आप देखिए कि 1 से 3 लीटर में अवेलेबल होते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ होती है, मैंने आपको बताया, और बर्तन धोने के और हाथ धोने के ये काम आते हैं। तो 2 से 8 फैमिली के मेंबर हैं अगर आपके, तो आपको 1 से 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर सफिशिएंट रहेगा। और फैमिली का आकार इससे बड़ा होता भी नहीं है कि हम दो हमारे दो देखें तो 2 फैमिलियों के हिसाब से 8 मेंबर सफिशिएंट हैं, यानी माँ बाप भी साथ रहते हैं, आप भी साथ रहते हैं, तो 1 से 3 लीटर का इंस्टेंट वाटर गीजर आपके लिए सफिशिएंट है हाथ धोने और बर्तन धोने के लिए। खास करके अगर आप ये घर में लगाते हैं तो मेरी बहनों को बड़ी आसानी होती है, तो इसलिए आप कोई सा भी गीजर ले सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इंस्टेंट वाले। अब बात आती है स्टोरेज गीजर्स की, तो स्टोरेज गीजर देख लेते हैं हम, इसकी कैपेसिटी गाइड और इसकी ज़रूरत क्या होती है। अब स्टोरेज गीजर अलग अलग साइज में, पहला आप देखेंगे 10 से 15 लीटर वाला, तो 10 से 15 लीटर का जो गीजर है वो आपको नहाने में काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे आप बाल्टी भर करके या जैसे भी आप चाहें शावर से भी नहा सकते हैं। तो 10 से 15 लीटर का गीजर, 2 से 3 मेंबर की फैमिली है आपकी, यानी हम दो और हमारे दो वाली स्थिति है,
तो आपको 10 से 15 लीटर का गीजर काफ़ी सफिशियंट है। अब मान लीजिए आपकी फैमिली में आप नहाते हैं शावर से या बाथ टब से, तो फिर आपको 15 से 25 लीटर वाला गीजर चाहिए, क्योंकि शावर में और बाथ टब में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। 10 से 15 लीटर वाला गीजर लेंगे आप, दो तीन या चार लोग फैमिली में हैं तो आप बाल्टी से नहा सकते हैं गर्म पानी भर करके। और अगर आपको मान लीजिए शावर लेना है, फव्वारे से नहाना है या फिर आपको बाथ टब में नहाना है, तो 15 से 25 लीटर वाला गीजर आपको लेना पड़ेगा, और इसमें भी दो से तीन मेंबर ही आपको होंगे या तीन या चार मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए होते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए आपको नहाना है, आप किसी भी तरीके से नहाएं, बाल्टी भर के नहाएं, शावर से नहाएं, बाथ टब से नहाएं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स की संख्या 4 से 8 मेंबर है, या फिर आपकी दो फैमिली हैं, या फिर मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके माता पिता भी साथ रहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बड़ा गीजर चाहिए होगा 25 से 30 लीटर साइज का। तो अब ये आपके गीजर की इस हिसाब से आपके साइज वगैरह मिलती हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके रेट की। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंस्टेंट गीजर कब चाहिए होता है और स्टोरेज गीजर कब चाहिए होता है। फैमिली मेंबर्स के हिसाब से भी आप अभी क्लियर कर सकते हैं कि आपको कौन सा गीजर लेना है, कितने लीटर साइज वाला गीजर लेना है। लेकिन बात आती है रेट्स की। तो रेट्स की मैं आपको जहाँ तक बात बता दूँ कि सबसे पहला तो देखिए प्लास्टिक बॉडी PVC, इसके अलावा आपके स्टील बॉडी और इसके अलावा आपके आयरन बॉडी, तीन चार तरीके की बॉडीज आती हैं गीजर्स की। तो स्टील बॉडी वाला मैं प्रीफर करता हूँ, ये बात एक आपको क्लियर लगे, आपको सही लगे तो आप भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है साइज़ की। तो 15 से 20 या 25 लीटर वाला गीजर काफ़ी सफिशियंट होता है। तीसरी बात आती है गैस गीजर लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक लें, बिजली चलने वाला लें। तो भाई इलेक्ट्रिक की जगह तो फिर आप गैस वाला ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं गैस वाला ही यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक वाला भी करते हैं, पर उसमें करंट वगैरह का खतरा ज़्यादा रहता है, तो सो थोड़ा सा बचना भी चाहिए और बिजली का खर्चा भी ज़्यादा होता है, इसलिए भी बचना चाहिए। सोलर गीजर तो यार बहुत महंगे हैं, अपनी जेब से बाहर हैं, इसलिए सोच नहीं सकते। अब बात आती है कि इंस्टेंट लें या फिर स्टोरेज टैंक वाला लें। तो इंस्टेंट अगर आप लेंगे तो वो तो आपको लेना ही, क्योंकि वो तो आपके किचन में काम आएगा, आपके किचन में काम आएगा, क्योंकि ये हमारी बहनों के लिए बड़ा काम का है, तो उनके हाथों का भी ख्याल रखेगा और उनकी सेहत का भी ख्याल रखेगा। नहाने के लिए तो आपको स्टोरेज वाला ही लेना होगा। रेट्स पे हम एक बार आ जाते हैं। तो रेट्स इसके 2000 रुपये से लेकर के, लीटर वाइज देखें हम तो 2000 रुपये से लेकर के इसके रेट 6, 7, 8 हज़ार तक, 10 हज़ार तक भी हैं। सोलर के तो 12-15 से ऊपर शुरू होते हैं और इससे नीचे वाले आपके बिजली के और गैस वाले गीजर्स मिल जाते हैं। मैंने बताया 2000 से लेकर के 8-10 हज़ार तक भी आपको मिल जाएंगे। जैसी ब्रांड, जैसी कंपनी या फिर लोकल फॉर वोकल, जैसा भी आप चाहें आप गीजर ले सकते हैं। सबके सब मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाने की कोशिश की है, आप वहाँ से देखें और परचेज करें, या फिर आप मार्केट से चाहें तो मार्केट से परचेज करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।